देखो बाबू, बहुत सारा बच्चा नहीं है। हम आपको पढ़ा क्या रहे सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे? मैटर पढ़ा रहे। मैटर को दो पार्ट में बांटा है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में क्या बताया बाबू? बताओ बाबू, फिजिकल में कौन कौन होता है बाबू? किसका टर्न? बताओ सुजीत, बताओ बाबू, फिजिकल में कौन कौन है जी? जल्दी से बोलो बाबू, बार बार एक एक कहने कितने बोलेंगे? जान सुजीत शैतान। फिजिकल यस में कौन कौन सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, कौन कौन टाइप था? हाँ जल्दी 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 जल्दी। में सर, आप फिजिकल में मैटर को क्लासिफाई किया था सॉलिड बाबू? लिक्विड गैस प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी, बोस आइंस्टाइन का। हाँ नेक्स्ट बाबू, आप बताओ बाबू। अथी उत्कर्ष हर्षिता बाबू, केमिकल में क्या क्या था बाबू? केमिकल में कहाँ थे हम लोग? हर्षिता केमिकल यस सर, में कहाँ थे? हाँ सर केमिकल केमिकल में कौन कौन टाइप है? सर बताते हाँ जल्दी बाबू, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है बाबू तीन में। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी 120 तक के लिखो तो। के सेल, एल सेल, एम सेल। इधर स्पेस देना, इधर स्पेस छोड़ना बाबू, एक इधर स्पेस छोड़ना। ठीक है बाबू, एक छड़ी हो गया बाबू। बोरोन, एक छड़ी हो गया हर्षिता। चार में बेरिलियम होता है बाबू, बोरोन ना होता जी। BER भाई। हर्षिता के बाद कौन है बाबू? इसको सर, शैतान लोग पढ़े भी हाइड्रोजन, नहीं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हर्षिता रौनक बाबू बताइए बाबू, केमिस्ट्री में वो हम लोग क्लासिफिकेशन के थे? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो। बता रहे हैं लिखने के लिए, कैसे लिखोगे? कम से कम 120 तक के लिखो। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, बोरोन है, कार्बन है, 120 तक के लिखे बाबू। टेबल बनाइए तो, के सेल, एल सेल, एम सेल। ये बाबू क्या है? के सेल है ये, क्या है? के सेल है, सर ई क्या है एल सर, सेल हो गया, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल सेल, एम सेल, एन सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। हाँ बाबू, यहाँ पे बाबू एटॉमिक नंबर कितना है बाबू? वन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है सर? 80 हो गया। NO नंबर हो गया, कितना हो गया? दो हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया बाबू? 3 हो गया। ए बाबू रौनक, 4 हो गया। एटॉमिक नंबर 5 हो गया। 120 तक जल्दी करो तो जी। रौनक नहीं बोलेगा। बताओ निको, केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा टाइप था बाबू? सर अपियर सब्सटेंस, क्या बाबू? प्योर सब्सटेंस, हाँ उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस सर, और प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, और एलिमेंट में आते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, नोबल गैसेस सर, और इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं होमोजेनियस, सेम, हेटरोजेनियस, डिफरेंट, और हेटरोजेनियस में आते हैं कोलाइड्स, कोलाइड्स, कोलाइड, सस्पीशियस। सस्पेंशन होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोले निकू के बाद अनुष्का। बताओ अनुष्का, अब बोले अनुष्का। अनुष्का एलिमेंट, एलिमेंट क्या टाइप का बाबू? अनुष्का कौन कौन बाबू? एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे का हम लोग करेंगे? कौन कौन क्लासिफिकेशन किया गया? मेटल किसको कहेंगे भोले? मेटल कार्बन का 6 होता, किसको मेटल कहेंगे बाबू? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। 80 हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। 80 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। लिखो बाबू, लिखो, समझाते हैं।
सर इसमें बताओ श्रुति, केमिकल बॉन्डिंग एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बाबू श्रुति शैतान? श्रुति हर्षिता का एक छड़ी हुआ जी, नहीं बताई है, लिखने चलते ये सबको बाबू एकदम नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रहे एकदम, बोले वीडियो ऑन कीजिए बाबू, एक छड़ी हो गया हर्षिता, बताया श्रुति एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बाबू? 13. वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ कुछ तो याद रखती है हर्षिता, एक छड़ी बाबू, वन स्टिक। जितना भी पीछे आप लोग को बाबू आराम करना, आराम करो, लेकिन हमको जितना पीछे पढ़ाए सारा हमको कंप्लीट चाहिए बाबू, बहुत आप लोग का कंप्लेन आता, पेरेंट्स सब बोलते मेरे बच्चा का ग्रोथ ही नहीं होता बाबू, हम लोग दिन रात आप लोग के पीछे लगे हुए बाबू सुबह शाम। लिखे इतना, अब इसको समझाते हैं, बताओ प्रधान मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू इन ए यानी सेल, अब प्रधान सर हम बताए सर, सर हम बताए आपका भी टर्न बता, पूछ रहे हैं मेरा टर्न आ ही नहीं रहा सर, मैथ्स में आप एक बार पूछो उसके बाद मेरा टर्न आ ही नहीं पा रहा है। हाँ तब आएगा फिर, चलिए बताए प्रधान। हाँ सर, नहीं सर बताए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल बाबू, सर कौन सा सेल में, कोई भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक फॉर्मूला लिखा है 2n square. हाँ चलो सर 2n square सर 2n square ना 2n square बोला ना, square बोला प्रधान। हाँ सर नो सर 2n square भी होगा सर 2n square, तो square नहीं बोला प्रधान, बोला मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। चलो भोला नेक्स्ट बाबू प्रधान के, शांतनी बाबू तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, शांतनी बोली यस सर, पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन सर नहीं बताओ सर, हमसे पूछ लीजिए ना, और नंबर वाइज आप पूछ नहीं रहे ऐसे भी, आपका रोल नंबर 11 था ना लगता बाबू, अभी सब 22 टेस्ट पे है, बताओ सर आप तो बताइए, अंकित तो है ही नहीं, मिस्टी बाबू सिरसी बताओ बाबू सिरसी बाबू शांतनी सर बताए, फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू? हाँ मैम, हाँ मैम सर अब तो बताने दीजिए। अच्छा ठीक है मैम, अच्छा अच्छा ठीक है, क्या क्या कीजिएगा, बच्चा है बीमार पड़ते रहता सर, आप बता दे सर, बोलिए बोलिए मिस्टी बोलिए बाबू सनवी सर, पहले शेल में रहता है 2n, मतलब के शेल में 2 रहेगा, एल शेल में 4 रहेगा, M शेल में 8 रहेगा, ठीक है मैम, ठीक है मैम, N शेल में 16 रहेगा, चलो अच्छी बात है। देखो बाबू शांतनी, शैतान कहानी पीछे वाला रिवाइज करते बाबू, हम क्या करें बाबू बताइए, अभी इसको पापा से बात करते, निकालिए ना सारा पीछे वाला, क्यों नहीं करते हो बताओ रोशनी सर, बोली रोशनी सर, हाँ बाबू सर वो रॉन्ग बोली है, यस सर रॉन्ग है, अच्छा ठीक है रोशनी बाबू, पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा रोशनी? नहीं पता, काहे नहीं पता है भोली बाबू, केमिस्ट्री वाला पहले रिवाइज करके, कितना होगा सपना पहला सेल में इलेक्ट्रॉन बाबू? सर हम पहले सेल में 2 बोले, सही तो बोले सर, हम लास्ट सेल का कितना होगा बाबू बताओ बाबू, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन होगा सुजीत? सर 2, मैं बताऊं सर,
अब शांति से सुनो, जो जो नहीं पढ़े वो शांति से सुनो। देखो आपको पता, किसी भी सेल में बाबू, रोशनी बाबू, शांति बाबू, किसी भी सेल में बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी सेल में बाबू, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है बोले, है ना, कितना एक फार्मूला होता है, 2n² होता है। जहाँ n मेरा क्या बात बताता बाबू, शांतनी बोले, कहाँ भाग गई जी शांतनी, ग्रीन ग्रीन आ रहा था जी, देखो रोशनी, ठीक। किसी सेल में बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 2n² होता। जहाँ n क्या होता है सर, नंबर ऑफ सेल होता, तब n के वैल्यू 1 रखोगे तो 2 × 1² 2 आ जाएगा, n के वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 2² कितना, 4 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। ये बाबू लिखा दे बाबू, फॉर फर्स्ट सेल के लिए, फॉर फर्स्ट सेल के लिए बाबू, फर्स्ट सेल के लिए, है ना, एन के वैल्यू कितना होगा सर, एन बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, नहीं पढ़ के आते बहुत दुख होता जी, मर जाएंगे हम ऐसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अभी है तो आप लोग पकड़ा है बाबू, 2 हो जाएगा। सेकेंड सेल में एन के वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एन के वैल्यू क्या रखेंगे, 2² करेंगे, तो कितना होगा, 2² 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और सेकेंड सेल में बाबू, और सेकेंड सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा सर, लास्ट क्लास भी पढ़ाए बाबू, नहीं कार्य विभाजन करते बाबू, 2n² 2 × सेकेंड सेल के लिए कितना सर, एन की वैल्यू कितना सर, 2 सर। पहला सेल के लिए एन की वैल्यू कितना सर, 1 सर, है ना, पहला सेल के लिए एन की वैल्यू कितना सर, 1 सर। सेकेंड सेल के लिए एन की वैल्यू कितना सर, 2 सर, एन बराबर कितना बाबू, 2, है ना, तो 2 × 2² कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। चलो लिखो, इसको लिखो, जो नहीं लिखो लिखो बाबू। अब यहाँ से आपको फिलअप करना बताते, फिलअप करना बताते, इसको समझना बाबू। आपको हम क्या पढ़ा रहे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मन से पढ़े भूमिका, 1:2 वाला सर, नहीं बाबू 1:2 वाला नहीं, अभी खाली सेल में फिल अप करना बता रहे हैं सर, तो बेसिक है ना, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। शांतनी के पापा से बात करना पड़ेगा, नेटवर्क नेटवर्क नहीं पकड़ता शांतनी, बाबू तो पापा जी को कहे ना बाबू, मोबाइल रिचार्ज करवाए करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, जियो का फाइबर खरीद लीजिए, नहीं तो सर 500 रुपए क्या बोले, ठीक है सर बोलूंगी, अच्छा हम ही बोलते बाबू, ज्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए खरीदो ना, फिर बाबू 5G आ ही जाएगा, 2-3 महीने में पहुंचाइए देना चाहिए, पटना वगैरह में लगता है यार, तो हमारे ध्यान तो नहीं आएगा सर। चलो बाबू लिखे सर जल्दी से शांतनी, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में कितना सर, एन बराबर 2 करेंगे तो 2 × 2² कितना होगा, 2 × 4 × 8 हो जाएगा, है ना, ठीक बाबू। अब समझना है, अब हम आपको बता क्या रहे बाबू, क्या बता रहे हैं जी, देखो क्या ये क्या हो गया जी शैतान, हाँ हमको क्या करना बाबू, आपको बाबू ये इलेक्ट्रॉन लिखना है ना, अरे है ना, सारे एलिमेंट का बाबू, जितने भी हमारे पास बाबू एलिमेंट है सारे का, 120 तक है ना, 108 का नहीं लिखे, 118 का नहीं लिखे, तो पहला क्या सर, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है बाबू, 1 होता है, तो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर 1 होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे सर, न्यूक्लियस हो गया, आई पहला सेल हो गया, ये क्या हो गया, के सेल हो गया, ये क्या हो गया, के सेल हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, तो आपके पास हाइड्रोजन के पास एक के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक के इलेक्ट्रॉन है सर, हाइड्रोजन के पास एक के इलेक्ट्रॉन, तो कौन सेल में रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, के सेल में रहेगा, तो यहाँ के सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, के सेल में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, ये किसका है सर, हाइड्रोजन का, ये किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का, किसका है, हाइड्रोजन का, ठीक। नेक्स्ट बाबू पहला नंबर, दूसरा नंबर कौन है सर, हीलियम है, दूसरा नंबर के कौन है, हीलियम है, हीलियम, हीलियम, तो हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना सर, 2 सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 2 सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना सर, 2 सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा, ठीक। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया, ठीक।
अब इसमें दो है, एक न्यूक्लियस बनाएंगे सर और एक फर्स्ट सेल देंगे, तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन सर, अभी ना बताया, पहला सेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन और इसका एटॉमिक नंबर कितना? दो ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है, तो दो का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? के सेल रहेगा। ये कौन सेल है? के सेल है, ये के सेल है। कौन है? के सेल है। पहला सेल मेरा के सेल होता, दूसरा मेरा एल सेल होता, तीसरा एम सेल होता, चौथा एन सेल होता। तो के सेल में कई इलेक्ट्रॉन आ गया? दो इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, नेक्स्ट बोला थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मेरा कौन है सर? लिथियम है। थर्ड नंबर क्या सर? लिथियम है। लिथियम है, समझते चलना, समझते चलना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम का कितना सर? तीन सर। तीन वो कैसे सर? प्रेस है कौन? तीन एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीन होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब तीन तीन इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना, शांति से समझना जी। तीन इलेक्ट्रॉन है हर्षिता बाबू, क्या करे बाबू, गेम खेल रही हो? तीन इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना? अरेंज करना। तो पहला हम लोग न्यूक्लियस देंगे, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। तो पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो को। कौन बोला? ये बाबू वो बोला था ना बाबू, ये बोर्स बोला था कि किसी भी ऑर्बिट बाबू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई बोला था? दो को। तो पहला सेल में कई गो रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहला पहले पहला वाला सेल वाला भर दे दो, तो पहला वाला सेल में दो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। आपके पास कई इलेक्ट्रॉन है? तीन है। एक और कहाँ जाएगा? तो वो अगला सेल में जाएगा, अगला सेल में जाएगा। तो ये अगला सेल में गया, तो पहला वाला सेल के होता है, नामकरण इसका क्या होता है? के होता है। दूसरा वाला सेल क्या होता है? एल होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम के लिथियम के पास कई इलेक्ट्रॉन? तीन। तो एक कहाँ जाएगा? आगे वाला में जाएगा। कौन बोला? नील्स बोर बोला था, नील्स बोर बोला था ना, हमने बोला नील्स बोर बोला था ना। तो ये एक हो गया। ठीक, तो ये पहला सेल के सेल में कई इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। फिर एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक बाबू, लिथियम का हो गया। इसी तरह से चौथा बाबू बरेलियम, चौथा मेरा क्या? बरेलियम है। चौथा मेरा क्या? बरेलियम है। चौथा मेरा क्या है? बरेलियम है। नहीं भोला, बरेलियम है। ठीक, ठीक बाबू। बरेलियम का एटोमिक नंबर कितना सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर? बरेलियम का कितना सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? चार बाबू, चार। तो चार इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? दुई को। कौन बोल रहे? टू एन स्क्वायर फॉर्मूला से। तो ये हो गया पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, है ना, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएगा? चार को है, चार को है, तो चार को अरेंज करना, तो पहला में दुई को रख देता रहेगा, तो फिर अगला सेल में जाएगा। तो अगला सेल में मैक्सिमम कई को इलेक्ट्रॉन? दूसरा सेल में मैक्सिमम कई को? आठ को। कैसे? टू एन स्क्वायर से, तो इसमें आठ इलेक्ट्रॉन तक भराएगा, तभी दुई वन हुआ, दो गो हुआ, तो दो गो इसमें आएगा। तो के सेल में कितना? दो। बरेलियम में दो गो, एल सेल में कितना? दो गो। लिखो भोला। गुड इवनिंग सर। अच्छा गुड इवनिंग बाबू, अभी चार मिनट बाकी है। साइड में ही सर लिखना है सर, राइट हैंड साइड वाला भी लिखना। हाँ मेरे लाल, ये वाला जरूरी है लिखना, ये नहीं लिखोगे तो यहाँ से कहाँ से आ जाएगा? इसको जरूरी है लिखना, शैतान मर जाएंगे पढ़ाई पढ़ाते बाबू, इतना प्रेशर देके कौन पढ़ाता है जी। जल्दी लिखे हर्षिता, एक छड़ी हो गया बाबू। ये भूमिका कहानी समझ में आ रहा बाबू? भूमिका बोली यस सर। बोलो, दूसरा सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन? दूसरा सेल में भूमिका? अरे एक। दूसरा सेल में कई? तीसरा सेल में? बाईची का टाइम बाबू 7:20 से है। तीसरा सेल में मैम 8 सर, 8। दूसरा सेल में 8 है, तीसरा सेल में 8 यस सर। चौथा सेल में 8 वो ना एकदम पढ़ते जी, क्या करें बाबू, समझ में नहीं आता। कहा नहीं पढ़ती भूमिका, शर्म उरम नहीं आप लोग को लगता? आपके पेरेंट्स कितना आप लोग के लिए बाबू परेशान रहते हैं। हम आपको बाबू पूरा जब भी फोन करके पूछो बताने के लिए तैयार हैं बाबू, सारा बच्चा परेशान करता है पूछ पूछ के। आप लोग क्यों, आपके पेरेंट्स इतना फैसिलिटी दिए हुए बाबू, अच्छा सा घर दिए, अच्छा सा खाना कपड़ा लता, फिर भी नहीं पढ़ते हो, कितना दुख की बात है बाबू। आप लोग से बढ़िया गाँव वाला बच्चा ठीक रहता है, गरीबी में जीता उसे मजबूरी समझता पेरेंट्स का। आप लोग से ज्यादा तेज बाबू विलेज वाला बच्चा सब निकल जाएगा, क्योंकि वो सब सिंसियर है।
आप लोग पढ़ते नहीं बाबू, बताओ इतना अच्छा सा समझा रहे बाबू, कल वाला रिवाइज करके नहीं आए शैतान। कल शैतान पूरा केमिस्ट्री वाला जितना भी बाबू एटॉमिक नंबर ये सब रिवाइज करके आना। आज का डीआई बाबू ये सब शैतान है, हमको जान मार देगा शैतान, नाम भी मेरा खराब कर देगा। सारा बच्चा रिवाइज करके आएगा बाबू, कम से कम बाबू 2 घंटा मैथ डेली बनाइए आप लोग। आप उसका क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 5 नंबर में कौन है सर? बोरोन है, एक बार बता देते हैं। 5 नंबर में कौन है? बोरोन। क्या बजा है क्वेश्चन वाला? 2-3 हो जाएगा सर। देखो अब शांति से सुनो, जैसे बोरोन है तो बोरोन के कितना इलेक्ट्रॉन सर? 5 गो। बोरोन में कई गो इलेक्ट्रॉन सर? 5 गो। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में। अब शांति से सुनो शैतान, अब बना के लाना 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में, बाकी 3 गो बच गया तो कहां जाएगा? दूसरा सेल में जाएगा। फिर कार्बन में 6 गो, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 4 गो बचेगा तो तीसरा सेल में जाएगा। मतलब दूसरा सेल में कई गो तक जाएगा? मैक्सिमम 8 गो तक। जैसे ही 8 गो भर जाएगा, इससे दूसरा सेल 8 गो भर जाएगा तो फिर तीसरा सेल आएगा, है ना? तीसरा सेल आएगा तो आप कम से कम यहाँ से मैग्नीशियम है ना बाबू 15 तक करके लाना, 15 तक यहाँ से करके लाना इसको बाबू, पूरा करके लाना। डायग्राम नहीं बना के लाओगे कूट देंगे पकड़ के। पहले इतना ही करो, 12 तक करो, फिर कल हम बताते हैं इसको। इतना ही 12 तक करके ला, पहले 7-8 गो और बताते हैं। रिमेनिंग ये डी बाई हो गए, नहीं करके लाओगे कूट देंगे। कुछ नहीं करना, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाना। अब जब दूसरा सेल में 8 गो हो जाएगा तो फिर अगला वाला में जंप करना। शैतान हमको जान मार देगा जी। स्कूल वाला टीचर बट ठीक है बाबू, पढ़िए पढ़िए, नहीं बैठिए कोई नहीं मतलब, नहीं करके लाओगे भूमिका कूट देंगे। पहले बोलते भूमिका बाबू करके लाना। हंसती क्या हो जी? शैतान शर्म भी सबको ना लगता है, इसका पेरेंट्स कितना मेहनत करके अलग करते हैं। सर 15 नंबर तक, फास्फोरस तक। पहले मैग्नीशियम तक करो,